एचपीएससीबी एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा विरोध प्रदर्शन मंडी में भी किया गया। एक और जहां सीटू के बैनर तले मजदूर संगठनों ने मांगों को लेकर मंडी शहर में हो हल्ला बोला, वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने भी यूनियन के बैनर तले शहर में जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2018 के विरोध में आवाज बुलंद की और कर्मचारियों ने इसे कर्मचारी विरुद्ध बिल करार दिया। साथ ही सरकार पर विद्युत बोर्ड को खोखला करने के आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत बोर्ड में किसी समय 42,000 कर्मचारी हुआ करते थे, जो आज घटकर 19,000 रह गए हैं और कर्मचारियों पर संख्या कम होने के कारण अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जिससे कर्मचारी भी परेशान हैं, वहीं लोगों को भी समय पर सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने सरकार से इस अमेंडमेंट बिल को निरस्त करने और निम्न स्तर पर कर्मचारियों की तुरंत भर्ती करने की मांग भी उठाई। आज प्रदेश भर में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2018 के विरोध में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के एम्प्लॉयज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी की कड़ी में आज यहाँ मंडी में भी हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे लगभग 300 के करीब कर्मचारियों ने पार्टिसिपेट किया। आज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जहाँ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी एक समय में 42,000 के करीब कर्मचारी हुआ करते थे, आज कर्मचारियों की तादाद 19,000 के करीब रह गई है। फिर भी प्रदेश सरकार कर्मचारियों को उत्तराखंड की तर्ज पे उनकी संख्या को कम करने के लिए कोशिश कर रही है, जिसका एचपीएससी एम्प्लॉयज यूनियन कड़ा विरोध करती है। और आने वाले समय में अगर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए सबसे अहम मुद्दा रहेगा कि बिजली बोर्ड में निम्न स्तर पर टीमेट क्लर्क और हेल्पर्स की भर्ती की जाए और जो स्वीकृत पद हमारे सबस्टेशन स्टाफ के हैं उनको भी भरा जाए, अन्यथा बिजली बोर्ड के इस ढांचे को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कर्मचारियों का आए वाले दिनों में तकनीकी कर्मचारियों को जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है काम का। एक एक कर्मचारी 15-15 ट्रांसफार्मर देख रहा है, जो कि फिजिबल नहीं है। तो एचपीएससी एम्प्लॉयज यूनियन प्रदेश भर में इस प्रोटेस्ट को और तेजी से बढ़ाएगी अगर सरकार और मैनेजमेंट की तरफ से इसकी तरफ कोई साकार कदम न उठाए गए। इसके साथ साथ आने वाले समय में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से जो भी कॉल आएगी उसको हिमाचल में पूरी तरह से निभाया फॉलो किया